गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, धोरण 12 इंग्लिश मीडियम के अंदर, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के अंदर हमारा 14 चैप्टर चल रहा था। 14 चैप्टर के अंदर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। कल मैंने आपको वो रेक्टिफायर वाला भी करवा दिया था, हाफ वेव और फुल वेव, बराबर। अभी आज जो देखना है वो स्पेशल पर्पस यूज, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब स्पेशल यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, बराबर। स्पेशल यूज उसके है ना, एक है जेनर डायोड, दूसरा है उसका फोटो डायोड, तीसरा है उसका एलईडी, और चौथा है उसका सोलर सेल। ये चार जगह पे वो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ये स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस मतलब कि इसके अंदर हम पीएन जंक्शन का यूज करते हैं स्पेशली, ओके। तो इसके अंदर ये जेनर जो है वो आपके सिलेबस से कोविड के कारण निकल गया है, बराबर। हमारे सिलेबस में ये तीन ही है, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। तो सबसे पहले मैं आज आपको स्टार्ट करता हूं एलईडी। एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड। जो आप अभी तक जितने भी टीवी देखते हो वो एलईडी हो गए हैं, आप जितने बोर्ड देखते हो जो दुकान के होते हैं, शॉप्स के, फिर कोई जगह पे कोई बड़ी एनजीओ है या बड़ी कंपनी है तो वो लोग अपने बोर्ड वो लाइटिंग वाला बोर्ड लगवाते हैं, बराबर। तो वो जो बोर्ड होते हैं जिसके अंदर लाइट्स जलती है वो सब एलईडी लाइट्स होती है। जो आप शादियों में जाते हो तो हैलोजन्स होते हैं वो एलईडी हो गए हैं। हमारी जो बाइक या कार या कि जिसके अंदर भी जो लैंप लगते हैं वो सब एलईडी हो गए हैं। तो वो सब हमें इसके अंदर देखना है एलईडी कैसे यूज करता है। तो एकदम ध्यान से देखो कि एलईडी का काम क्या है, बराबर। तो क्या बोला है देखो, सबसे पहले कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन इन अ जर्मेनियम ऑफ सिलिकॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बॉन्ड, देन द एक्सिस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम हो या तो फिर सिलिकॉन हो, बराबर, जो इलेक्ट्रॉन जो हो है, बराबर, वो ट्रांजिशन करेंगे कहाँ से, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, मतलब कि जो कंडक्शन है उसमें से वैलेंस के तरफ वो ट्रांजिशन करेंगे, और उसके अंदर एक्सिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेगा। तो वो जो एनर्जी वो किसके फॉर्म में होगी, हीट एनर्जी के, किसके फॉर्म में होगी। इन सम ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम आर्सेनाइड द एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। और उसके अंदर से बहुत सारे सेमीकंडक्टर ऐसे हैं कि जो हमें एनर्जी है वो किसके फॉर्म में जनरेट करते हैं, वो लाइट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में जनरेट करते हैं, लाइट के फॉर्म में। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेवलेंथ कितनी होगी उसकी, एचसी बाई ईजी, ईजी मतलब उसकी बैंड एनर्जी, बराबर, जो जेनर में थी लेकिन वो निकल गई, बराबर। तो वो लाइट के फॉर्म में करते हैं। तो अभी इसके अंदर करना क्या है वो हमें देखना है, वो एकदम ध्यान से देखना कि इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवली ऑब्टेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एसेंशियल दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड हैव टू लार्ज अबोव मेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेटिस्फाइड एटम। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, बराबर है। तो अभी क्या होगा कि इन ऑर्डर ऑफ आर्ची अबोव मेंशन ऑब्जेक्टिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉप्ड सेमीकंडक्टर आर टेकन एज शोन इन फिगर। अभी देखो, हम देखो फिगर में, यहां से हमें मेन देखना है, हमारे पास एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके हमने पीएन जंक्शन बनाया हुआ है। द पीएन जंक्शन डायोड इज कैप्ट इन फेयरली लार्ज फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये कौन से कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में, बराबर। दिस रिजल्ट इन अ लार्ज करंट एज शोन इन फिगर ड्यू टू लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजियन एंड द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन होल इन द पी रीजियन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द विड्थ ऑफ द डेप्लेशन रीजियन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसमें होल ज्यादा होंगे, तो इसके कारण एक्सट्रीमली इस जंक्शन के अंदर इस डेप्लेशन बैरियर की जो विड्थ है वो कितनी होगी, स्मॉल होगी, बराबर है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन आर इजिली एबल टू क्रॉस जंक्शन एंड रिकम्बाइन विद द होल्स। इजिली कम है इसकी विद्थ, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली होल के पास जाके रिकम्बाइन हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एमिशन द विजिबल रीजियन
आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस इम्प्यूरिटीज एडेड इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आर्सेनिक और फॉस्फोरस इम्प्यूरिटीज डालूंगा किसके अंदर, जर्मेनियम के अंदर, बराबर। तो एलईडी दैट कैन एमिट रेड येल्लो ऑरेंज ग्रीन लाइट आर कॉमर्शियली अवेलेबल। द सेमी कंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन विजिबल LEDs must have to band gaps of 1.8 इलेक्ट। इसीलिए मैं क्या करूँगा, जिस तरीके की मुझे लाइट चाहिए उस तरीके के रंग की वो इम्प्यूरिटीज मैं उसके अंदर डाल दूंगा, तो इस तरीके से मुझे LED मिल सकती है, बराबर। वाइडली यूज ऑन ऑफ इंडिकेटर, कोई भी जगह पे ऑप्टिकल हो जहाँ पे भी ये LED यूज करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि भाई इसके अंदर PN जंक्शन जो है वो PN जंक्शन का वीड जो है वो कम होगी, इजीली N यहाँ पे चला जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन होगा उसके अंदर मैं इम्प्यूरिटीज डालूंगा तो मुझे LED फॉर्म हो जाएगी, बराबर है। तो ये एक LED है। नेक्स्ट दूसरा है वो है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, DVD है, DVD के आगे इतनी सी एक विंडो आती थी जिसके अंदर हमें गाने का नाम और वो सब लिखे, तो वो सब फोटो डायोड के अंदर है, बराबर है। तो जो फोटो डायोड है, बराबर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो डायोड इज सिमिलर टू द नॉर्मल डायोड, PN जंक्शन जैसा ही है, सेम। ओनली डिफरेंस बिटवीन द डायोड थ्रू विच द लाइट एंटर्स द इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, दिस डायोड ऑलवेज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस। ये सेम PN जंक्शन अच्छे, ये सेम PN जंक्शन है, लेकिन इसमें सिर्फ नया इतना है कि इसके अंदर जो लाइट को एंटर करने के लिए एक विंडो दी हुई है, बराबर है। और ये फॉरवर्ड में था LED, ये कंपलसरी किसमें होगा, रिवर्स बायस में होगा, किसमें होगा, रिवर्स बायस में। रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो थ्रू द PN जंक्शन डायोड, बराबर, ऑन कनेक्टिंग इट इन रिवर्स बायस मोड, द रिवर्स सैचुरेशन करंट कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डायोड। जैसे ही मैं टेम्परेचर डायोड का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके अंदर जो वो होगा करंट है वो बढ़ेगा, बाय मेकिंग ऑफ मोर लाइट इंसिडेंट कवर इट, व्हेन द एनर्जी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, बराबर, जैसे ही इसके अंदर लाइट आएगी, बराबर, जैसे ही इसके अंदर लाइट आएगी तो वो क्या करेगी, देखो यहाँ पे जैसे ही आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन नियर द जंक्शन, यहाँ पे जो जंक्शन है उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, दिस फर्दर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ होल पेयर, बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो उसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और होल की बहुत बड़ी पेयर प्रोड्यूस होगी, बराबर है। और दूसरी बात, दस द इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। अभी क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ जो माइनॉरिटी जो है वो रिवर्स करंट को इंक्रीज करेगा, बराबर, द रिवर्स करंट इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो। तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। थ्रू द डायोड द एब्सेंस ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज नोन एज डार्क करंट, इज नोन एज, मतलब वो कैसे होगा, डार्क करंट फॉर्म में होगा, बराबर। और जैसे ही वो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वो हम उसको सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिंपल छे, PN जंक्शन अच्छे, खाली एट लू के इसके अंदर जो लाइट जो है वो जैसे एंटर होगी तो जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट पे जो मतलब जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा और पैर बनेगी, और वो जो पैर है वो पैर बनने के बाद उसके अंदर जो पैर बनी है वो पैर जो है वो रिवर्स बायस से करंट इंक्रीज करेगी और इसको हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आंसर मिलेगा, बराबर है। तो ये हमें इतना आज कंप्लीट करना है, ये दो जो सोलर सेल है वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।